दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का खजब समाचार में। दोस्तों अगर आप वाकई में बिग बॉस के लाइव फीड को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां, यहां आज लाइव फीड में जो कुछ भी हुआ वो सब हम बताने वाले हैं कि क्या क्या हुआ, किस तरीके से यहां लोग जो है गेम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं कि विक्की जैन को फटकारा गया है। बाकायदा यहाँ बिग बॉस की चिट्ठी आई है और सभी घर वालों को सतर्क कर दिया गया है। उनका कहना है कि एक व्यक्ति है जो इस गेम में बहुत ही ज्यादा चतुर तरीके से खेल रहा है। यहाँ कंटेस्टेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, वो व्यक्ति उन चीजों में घुस जाता है, यानी कि उनकी बातचीत में घुस जाता है, फिर वो जो है आप पूरा ही माहौल एकदम से खराब कर देता है या फिर उस टॉपिक को ही लोगों को एकदम से भुला देता है। तो ये यहाँ विक्की जैन के बारे में कहा गया है। हालांकि यहाँ विक्की जैन को आज रात आने वाले एपिसोड में भी आप देखेंगे कि फटकार बिग बॉस द्वारा लगाई गई है। इसके बाद में यहाँ मुनव्वर फारूकी और उनकी पूरी टीम को, यानी कि उनके पूरे रूम को फटकार लगाई गई, क्योंकि उन्होंने यहाँ स्ट्रेटजी बनाई कि दिमाग वालों को किस तरीके से हराएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम देखते हैं जिस तरीके से बिग बॉस ने कहा है कि बिग बॉस हमारे रूम में है ही नहीं, उनका कोई ना तो रूम है और उनका खुद का कहना है कि वो यहाँ है ही नहीं, तो फिर हम जो है यहाँ माइक उतार देते हैं और देखते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इस पर यहाँ बिग बॉस ने आप कह सकते हैं कि जलील किया पूरे ही दम वाले कंटेस्टेंट को और कहा कि कुछ फालतू के लोगों को, कुछ एक्स्ट्रा चतुरों को ऐसा लग रहा है कि वो जो है मेरे साथ खेल रहे हैं और वो जो है बचकांड हरकतें कर रहे हैं, तो आप उन्हें जाकर बता दीजिए कि जो माइक पहनना है वो बिग बॉस का अहम रोल है। तो इस दौरान यहाँ मुनव्वर और उनकी पूरी टीम को फटकार लगाई गई, जो कि कहीं ना कहीं लगनी भी चाहिए थी। वहीं बात करें UK07 राइडर और मुनव्वर फारूकी की, तो हम आपको बता दें कि यहाँ दोनों के बीच में ही कांटा चल रहा है। जहाँ UK07 अपने रूम यानी कि दिमाग वाले रूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं मुनव्वर जो है अपने दम वाले रूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए दोनों ही यहाँ बातचीत नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में यहाँ एक भी बार बातचीत होती हुई नहीं नजर आई है। दोनों यहाँ इनफैक्ट एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नजर आए हैं, यहाँ एक दूसरे से बात बिल्कुल भी करना पसंद नहीं कर रहे हैं। जहाँ UK की बातों में मुनव्वर नहीं घुसते हैं, वहीं मुनव्वर की बातों में UK07 नहीं घुस रहे हैं। इसके बाद मैं यहाँ बात करें अंकिता लोखंडे की, तो हम आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे एक डिसेंट गेम खेलती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। वो जो है यहाँ जिस तरीके से इस गेम को खेल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि नेचुरली वो जो करेंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट वो नहीं ले रही हैं। वहीं उनके जो जोड़ीदार हैं विक्की जैन, वो जो है एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहे हैं। घर वालों का मानना ये है कि मुनव्वर और विक्की जैन के अंदर सबसे ज़्यादा दिमाग है, सबसे ज़्यादा समझ है इस गेम को समझने की, तो वो जो है यहाँ गेम ज़रूर खेल रहे हैं। लेकिन अंकिता लोखंडे अभी आप कह सकते हैं कि इस गेम में स्लो चल रही हैं। उसके बाद में यहाँ फिलहाल ही देखने को मिला है अभिषेक और मुनव्वर दोनों ही रोते हुए नजर आए हैं। दरअसल यहाँ अभिषेक अपनी और ईशा मालविया की लव स्टोरी की बात कर रहे थे। वो जो है यहाँ ये कह रहे थे कि मैं अभी मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ, मैं जब भी उसे देखता हूँ कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं दूसरों के साथ में उसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, जैसा कि हमें कल से ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से लाइव फीड में ये देखने को मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों की ही तरफ से इसे फेक किया जा रहा है। हो सकता है कि ये रियल हो, आगे आने वाले टाइम में हमको ये भी पता चल ही जाएगा कि आखिर ये रियल है या फिर फेक है। तो इस तरीके का है ये वाकया। ये 5 पॉइंट जो है मेजर पॉइंट थे जो कि आपको बताने थे। इसके अलावा यहाँ थोड़ी थोड़ी चीजें हुई हैं, जहाँ आप कह सकते हैं कि मनारा जो है अभी तक इस घर में फेक लग रही हैं, वहीं खानजादी जो है कुछ एक्स्ट्रा ही करने की कोशिश कर रही हैं, और इसके अलावा दूसरी जो लड़कियां हैं वो जो है गायब हो चुकी हैं, यहाँ ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। वहीं बात करें तहलका की, तो तहलका की अभी जो है आवाज़ बैठी हुई है बहुत ज़्यादा नज़र, वो भी नहीं आ रहे हैं लाइव फीड में भी। और उनके अलावा हैदराबादी अनुराग भी ज़्यादातर अभी लाइव फीड में नहीं देखने को मिल रहे हैं, हालांकि आज आने वाले एपिसोड में उनका यहाँ धमाका आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ कुछ ही देर में टास्क शुरू होने वाला है, जिसकी जानकारी हम जो है अपने चैनल पर आपको देते रहेंगे, फिर चाहे वो गजब समाचार लाइव हो या फिर यहाँ द खबर भारत हो। तो इन दोनों ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ जाकर आप जो है इन लाइव से जुड़ी सारी जानकारी सबसे पहले पाते रहेंगे।